जैसे हम लोग बता रहे थे गणित के बारे में, कुछ कुछ स्तर पर जब आप रहते हो तो आपको गणित कुछ एक विषय दिया जाता है, अगर आप वहाँ उससे आगे स्तर पर नहीं जाते तो आप उधरी पे फंसे रहेंगे और अपरिपक्व रूप से भी आगे जाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो हमने ये चर्चा किया था। तो अगर आप 5वें कक्षा का जो बच्चा है, अगर उसको अगर आप 6ठे कक्षा में बैठाओगे तो फिर वो भाग जाएगा, या उसको कॉलेज में बैठाओगे तो भाग जाएगा। अगर BSc बॉय को भी आप 5वें स्तर पे डालोगे, 5वीं कक्षा में, तो वो भी बोरिंग लगेगा उसको। तो जो नया बच्चा है उसको माँ का दूध चाहिए होता है, लेकिन जब 4-5 साल के बाद जब और बड़ा हो जाता है तो उसको दूसरे प्रकार का खाना चाहिए, और फिर 20 का हो जाता है, 20 बरस का, तो उसको अलग प्रकार का खाना चाहिए। उसी प्रकार से तो हमारे आंतरिक विकास के आधार पर निष्ठा, रुचि, आसक्ति वगैरह, तो सही प्रकार का खाद्य पदार्थ देना आवश्यक है। और अगर वैसा नहीं दिया जाएगा तो व्यक्ति जो है सही प्रकार से प्रगति नहीं कर पाता है। तो अगर हम अपने आप को केवल एक ही स्तर पर रखते हैं और सही कार्य करते हैं तो फिर हम अगले स्तर पर जाते हैं, तो ये आदर्श है। तो अगर आप किसी स्तर पर हैं, समझिए आप साइकिल चला रहे हैं पूरा जीवन, 20 साल, 30 साल, अगर कार में, अभी कार भी आप साइकिल की स्पीड में चला रहे हैं, तो सभी लोग जो रोड के लोग हैं, ये क्या है, ये व्यक्ति आप साइकिल की स्पीड से कार चला रहे हैं। तो अगर आपको सुविधा दिया गया है अगले स्तर की, तो फिर आपको उसके हिसाब से वो सारे अभ्यास करने चाहिए। तो एक जो पहलू है सही चीज़ करने का अगले स्तर का, कि हम जप ज़्यादा कर सकते हैं जैसे, या पुस्तकें पढ़ सकते हैं, जैसे कि हमने बताया था कल लिस्ट का, उस दिन लिस्ट में। तो एक बार एक भक्त बता रहे थे कि प्रभु, मुझे पता चला कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि जीवा जो है उनके हृदय में प्रेम नहीं है, प्रेम जो है केवल कृष्ण के हृदय में है जीव के प्रति। तो मैं सोचा कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधक कभी में श्रवणादि शुद्ध चित्त करोदय, तो पहले से ही है प्रेम हमारे हृदय में, जैसे राख जो है वो अग्नि को ढक के रखता है, फुकनी से अगर फूकेंगे तो लाल लाल कोयला दिखेगा। तो विश्वनाथ ऐसे बोले, ऐसा बोले। तो कभी कभी कुछ चीज़ें एकदम भाव में ऐसे बोला जाता है, उसको एकदम लिटरली नहीं लेना चाहिए। जैसे माँ को ममता होती है बच्चे के प्रति, तो माँ का जो ममता है बच्चे के प्रति उसको कई गुना ज़्यादा है माँ बच्चे का जो प्रेम है माँ के प्रति। तो बच्चा जो है वो टेडी बियर से खेल सकता है, लेकिन माँ को टेडी बियर से नहीं कुछ संतुष्टि मिलता, और माँ को संतुष्टि नहीं मिलती जब वो बच्चा से दूर रहती, क्योंकि बच्चा जो है उसका ही अंश है। तो वैसे ही उसको स्वाभाविक रूप से कि कैसे बच्चा सुरक्षित रहे, स्वाभाविक उसको आनंद प्राप्त होता है जब बच्चे के साथ संग उसका रहता है, साथ रहता है। तो लेकिन जो टेडी बियर है वो भौतिक शक्ति है, तो जीवा जो है वो टेडी बियर, मतलब बच्चा टेडी बियर से खुश हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे को माँ के प्रति प्रेम नहीं है, मतलब जीव को जो भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, लेकिन वो जो प्रेम है अभी वो भौतिक प्रकृति की तरफ उसका चला गया है। तो जैसे ही माँ उसके आती है और उसके उसको पुकारती है, तुरंत बच्चा टेडी बियर को छोड़ करके माँ के पास चला जाता है। तो वैसे नारद मुनि कभी कभी बोलते हैं, तथा वैराण बंधे ने एक श्लोक आता है उसमें बोलते हैं, तो भक्तों का ज़्यादा प्रेम नहीं है अपेक्षा में, जो राक्षस हैं उनका जो है आकर्षण भगवान प्रति। अगर आप ऐसे आके प्रचार करेंगे कि मैं बताता हूँ कि अरे नारद जो है वो बता रहे हैं कि जो राक्षस हैं उनका जो तीव्रता है भगवान के प्रति आकर्षण है वो ज़्यादा है भक्तों के, तो फिर हम जाके सब राक्षस बनने की बात बोलने सकते, तो ये मूर्खता हो जाएगी। तो महान भक्त जब बोलते हैं तो उस एक्सटेसी, उस स्तर पर अपने भाव विभोर होकर के बोलते हैं, तो उसको अगर हम नहीं ठीक प्रकार समझेंगे, अगर हम नौसिखिया भक्त हैं हम समझ नहीं पाएंगे कभी। तो एक बार एक भक्त पूछे कि युग धर्म क्या है कलयुगा का, सब लोगों ने क्या बोला, नाम संकीर्तन सब ने, तो बोले नहीं, तो बोले भक्तों का संग। तो इस कलयुग के लिए क्यों बोला, शिला भक्ति ठाकुर ने ऐसा बोला। तो उन्होंने क्यों ने ऐसे बोला एक क्लास में ऐसे, तो बहुत सारे लोग बोलने लगे कि अरे बताइए कि युग धर्म क्या है इस युग का, भक्ति ठाकुर ने बोला है कि संगा भक्त, भक्तों का संग। भक्ति ठाकुर, लेकिन क्यों बोला भक्तों का संग,
क्योंकि नाम संकीर्तन आप अकेले नहीं कर सकते। संकीर्तन मतलब क्या? बहुमिलित्व कीर्तन संकीर्तन। तो इस तरह से जीव गोस्वामी उसका परिभाषा देते हैं। तो इसी प्रकार से अगर आप भक्तों के संग में आते हैं तो आप क्या करेंगे? स्वाभाविक रूप से आप कीर्तन ही करेंगे। लेकिन अगर आप इसको बड़ा इशू बना देते हैं कि अरे सब बदल दीजिए ना सब, कि युग धर्मा जो है अभी क्या है, भक्तों का संग है, हरिनाम संकीर्तन नहीं है, लेकिन ये कौन करेगा? ये केवल नौसिखिया लोग ऐसा बोलेंगे, है ना। तो कोई अगर अधिकार नहीं है समझने का, सुनने का, तो उसको सुनेंगे अगर आप, तो आप बहुत खतरनाक हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर कोई टीनेज 11वें 12वें वो क्या है मैथुन जीवन बारे में वो सुनते हैं या मूवी देखते हैं या पुस्तक पढ़ते हैं, तो उससे पूरा उनका मन भ्रमित हो जाएगा। वो तो अभी केवल 11-12 वर्ष के हो रहे हैं, तो वो पूरा उनका खराब हो जाएगा, उनका करियर खराब होगा, चरित्र खराब होगा। तो इसलिए तो व्यक्ति को सही प्रकार की चीज़ प्राप्त करनी चाहिए, सही समय पर, सही प्रकार का खाद्य पदार्थ, सही उम्र पर। तो आजकल इंटरनेट के कारण तो बच्चे जो हैं आजकल बहुत जल्दी कम उम्र में बहुत कुछ देखते हैं, तो इसलिए वो क्या बन जाते हैं? विकृत बुद्धि के हो जाते हैं, विकृत मन के हो जाते हैं। वैसे ही भक्ति के पथ पर भी तो कुछ चीज़ें भाव के स्तर पर बोली जाती हैं। जैसे निमाय पंडित, वो क्या बोल रहे थे? निमाय पंडित कृष्ण को डांट रहे थे, कह रहे थे कोई भी कृष्ण को पर विश्वास नहीं करना चाहिए, इस ये जो काले व्यक्ति है ये बहुत खतरनाक व्यक्ति है, ये धोखेबाज है, ये शूर्पणखा को जिसने धोखा दिया उसने उसके नाक को काट दिया, फिर अलग अलग गोपियों का नाम रहता था। फिर वो किस मूड में बोल रहे थे? वो गोपी भाव में, तो वो एकदम भाव में थे, श्रीमती राधारानी के भाव में थे। लेकिन कौन उनको समझ नहीं पाया? बाकी जो बच्चे थे समझ नहीं पाए। सब लोग कहते अरे सब भगवान का नाम लेना चाहिए और ये गोपी का नाम ले रहे हैं, और सब भगवान की प्रशंसा करनी चाहिए, भगवान को डांट रहे हैं। तो वो जो हैं वो अलग ऐसा ग्रुप बना लिया और चैतन्य महाप्रभु को बहुत निंदा करने लगे, और फिर वो छड़ी लेकर के चैतन्य महाप्रभु उनको दौड़ के भागने लगे। तो कह गया अरे तो पागल हो गए चैतन्य महाप्रभु। तो लोग क्या समझने के उस लेवल पर नहीं थे, स्तर पर नहीं थे। इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि ऐसे भक्त हैं जो मंदिर को छोड़ दिए, राधा कुंड चले गए, आचार्यों की पुस्तक पढ़ रहे हैं, जीव गोस्वामी का पुस्तक पढ़ रहे हैं, सनातन गोस्वामी का पुस्तक पढ़ रहे हैं, कमेंट्री सब पढ़, लेकिन अपरिपक्व स्थिति में है क्योंकि उन्होंने सेवा नहीं किया है। तो ऐसे लोग हैं जो कभी भी उन्होंने कुछ सब्जी नहीं काटा, कभी कभी बर्तन नहीं धुला, कभी पुस्तक को नहीं बांटा, वो बहुत जवान लोग हैं। और वो लोग अलग अलग प्रकार के ऐसे पुस्तक पढ़ रहे हैं, उसको बोल भी रहे हैं अलग अलग जगह पर, जैसे कि वो लेक्चर में उनको आंसू भी आ जाएगा, जैसे कि उनको आध्यात्मिक भाव आ गया है। तो केवल धोखा बात करते, तो वही लोग व्यक्ति बाद में देखेंगे बहुत एक अमेरिकन लड़की से शादी करके भाग जाएंगे। मैं ऐसा हुआ है, मैं ऐसे कहानी नहीं बता रहा हूँ आपको, मतलब राधेश्याम बोल रहे हैं। तो आपके आँखों में से आंसू आ रहे हैं, आपको बहुत भाव आ रहा है, तो फिर आप क्यों इस प्रकार के सफ़ेद स्त्री से फिर आप आकर्षित हो रहे हो? तो आपकी भक्ति कहाँ है फिर? तो ये केवल एक धोखा दे रहे हैं आप। तो इस तरह का हम क्यों निंदा करते हैं ऐसे जो जवान जो भक्त हैं, आचार्यों का पुस्तक पढ़ रहे हैं? क्योंकि केवल ये केवल धोखा कर रहे हैं, दुनिया को धोखा दे रहे हैं और अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो इसका क्यों इच्छा है नया पुस्तक? क्योंकि हम कुछ बनाना बोलना चाहते हैं, इम्प्रेस करना चाहते हैं, कि अपना कॉल उठाना चाहते हैं कि मेरे को कुछ पता है, कुछ पता है। तो ये धोखा दे रहे हैं एक प्रकार से। और दूसरे हाथ में अगर आप देखेंगे दूसरी तरफ, जैसे देवकी नंदन प्रभु हैं, वो हमेशा बोला करते थे कि अगर कोई व्यक्ति भागवत कथा बोल रहा है 7 दिन का, 5,000-10,000 लोग आ रहे हैं उसमें, तो पहला चीज़ है कि उसमें उनका मॉर्निंग प्रोग्राम कैसा है, तो क्या वो भक्तों के साथ जप कर रहा है, क्या वो मंगल आरती करता है, क्या वो दूसरों का भागवत संवाद भी सुनता है। तो अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसको भागवत कथा देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वरना क्या हो जाएगा, केवल वो पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए फिर दे रहा है। उसी प्रकार से अगर आप एक स्थित होकर के भक्ति कर रहे हैं सालों साल, अपना जीवन जो है उसमें घिस दिया है हमने, उस करके फिर अगर हम पुस्तक पढ़ते हैं तो फिर ठीक है। जैसे बहुत सारे आचार्य हैं, उनके बहुत सुंदर पुस्तकें हैं। तो ये सारे जो भक्त प्रभुपाद ने इन सारे पुस्तकों का नाम खुद दिया हुआ है अपने कमेंट्री में, तात्पर्य में, तो इन्हें बहुत सारी पुस्तकों का ऐसा नाम दिया है। तो लोग कुछ कुछ सोचते हैं कि सारे पुस्तक पढ़ना चाहिए कि नहीं, केवल प्रभुपाद पुस्तक पढ़ना है। ठीक है, प्रभुपाद पुस्तक पढ़िए, प्रभुपाद के पुस्तक में लिखा गया, प्रभुपाद बोलते हैं इन सारी पुस्तकों को पढ़िए, तो क्या करना चाहिए फिर?
तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इन सारी पुस्तकों को पढ़िए, तो अब बोल रहे हैं क्या प्रभुपाद को पढ़ना चाहिए, तो फिर क्या करना चाहिए? हाँ, प्रभुपाद ने बोला है पढ़िए, ये सभी पढ़ना चाहिए, तो फिर क्या करना चाहिए बताइए? तो प्रभुपाद बोल रहे हैं, आचार्य बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि आचार्य की पुस्तक पढ़ी तो पढ़िए। था फर्स्ट कैंटो में पढ़ रहे हैं प्रभुपाद, अलग अलग आचार्यों का टिप्पणी दे रहे हैं, श्रीधर स्वामी सब बोलते हैं पढ़ना चाहिए। इसका मतलब हम पढ़ सकते हैं, लेकिन अधिकार हमें प्राप्त होना चाहिए तब हम पढ़ सकते हैं, बिना अधिकार के उनको नहीं पढ़ना चाहिए। कैसे नहीं कि आप कैसे तात्पर्य पढ़िए कि प्रभुपाद ने बोला है कि इनसे पुस्तकों को पढ़िए तो मैं पढ़ने लगा, शुरू कर दिया उसको पढ़ना, नहीं। हालांकि मैं प्रभुपाद के पुस्तक रेगुलरली नहीं पढ़ता, नहीं, ऐसा गलत है फिर। इसलिए पहले बुनियाद बनना चाहिए आध्यात्मिक जीवन का अच्छे से प्रभुपाद पुस्तकों से, उसके बाद तब जा करके आप आसमान छूते हुए टिप्पणियों को पढ़ सकते हैं। तो इसलिए नहीं, तो आचार्यों का पुस्तक है तो इस तरह से और भ्रमित कर देगा हमको। रोजी ने बोला, मैं बोला ना। तो इसलिए धीरे धीरे जब उनकी श्रद्धा परिपक्व होती है फिर पढ़ सकते हैं उसको। तभी हम इस अगले सेक्शन में जाते हैं। आज का जो विषय है अर्च विग्रहों की सेवा, उससे हमें श्रवण करने की योग्यता प्राप्त होती है। कैसे? विग्रहों की पूजा करके हमें योग्यता प्राप्त होती है श्रवण करने की, कैसे बताइए? यहाँ पर बताया जाएगा। आपको पता है क्या वो कथा साक्षी गोपाल का? साक्षी गोपाल का कथा पता है? तो एक पुराने जो ब्राह्मण थे, उन्होंने एक जवान ब्राह्मण से सेवा लिया था। तो वो जब वो मंदिर आते हैं विग्रह के सामने, तो जो पुराने ब्राह्मण थे वो बोलते हैं जवान ब्राह्मण को कि मैं आपको बोल नहीं सकता कि मैं कितना आपसे खुश हूँ और आपके प्रति कृतज्ञता महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि पूरे यात्रा में मैं इतना, मेरे पास लगेज था, लेकिन मैं बहुत यात्रा में तो उत्साह के साथ आ गया, लेकिन यहाँ आने के मुझे पता चला कि मेरा बहुत लगेज भारी था, मैं बहुत भूढ़ा भी हूँ, मेरा शरीर भी जर्जर है, लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं कैसे इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाऊँगा, कैसे मैं खाऊँगा, कहाँ पर रहूँगा, लेकिन आपने सब कुछ मेरा ख्याल रखा, तो बहुत कृतज्ञ हूँ, आप तो जवान व्यक्ति हो। तो मैं फिर बोलता है कि अगर ऐसे हमारे खुद के पुत्र भी ऐसा सेवा नहीं करेंगे जैसा आपने मेरी सेवा की है, तो इसलिए वो कृतज्ञता महसूस करते हैं। फिर उन्होंने जो यंग ब्राह्मण जवान जो ब्राह्मण थे वो बोलते हैं अर्चविग्रह को देख करके कि मेरे प्रभु, आप, मुझे पता है कि मैं वैष्णव की अगर सेवा करूँगा तो भगवान जो है बहुत खुश होते हैं, और जब भगवान खुश हैं तो उनका जो कृपा है हमारे ऊपर आएगा, और जब उनका कृपा हमारे ऊपर आता है तो हमारा भक्ति में स्वाद बढ़ता है, और फिर हमारा भक्ति जो है उसकी बढ़ोतरी होती है। तो वो मैंने सुना है, इसलिए मैं इस भाव से आपकी सेवा कर रहा था, क्योंकि भगवान जो है वैष्णव को बहुत प्रेम करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो इसलिए मैं आपकी सेवा किया। तो इस तरह से बोलते हैं, तो हम देख सकते हैं कि कैसे जो जवान ब्राह्मण था वो बहुत ही चेतना उसका था कि कैसे अर्च विग्रह के सामने वो खड़ा है, और वो बोल रहे थे कि मैं सब सेवा किया है आपका, क्योंकि आप भगवान के बहुत ही प्रिय भगवान के भक्त हैं, और मैं आपको प्रसन्न करूंगा तो भगवान प्रसन्न होगा, और अगर भगवान को प्रसन्न नहीं करूंगा तो उनकी कृपा कैसे प्राप्त होगी? तो मैं अपने सारी योग्यता को नहीं बोल सकता हूँ विग्रहों के सामने कि मेरी ये योग्यता है, वो योग्यता है, अभी मुझे आपकी कृपा दे दो खट से, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम हाँ, तो भगवान को ऐसा खुश करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सब कुछ भगवान के पास पहले से ही है, तो आप क्या दे सकते हो भगवान को? कुछ नया नहीं दे सकते। जैसे बहुत सारे जो दिलचस्प वाली चीज़ है भक्ति में, कि भगवान जो है वो क्या देखते हैं? क्वालिटी देखते हैं, क्वांटिटी नहीं, गुणवत्ता देखते हैं, हमारे भाव देखते हैं, हमारा भक्ति का जो भाव है हृदय में क्या है, हम किस भाव से हम मंदिर आ रहे हैं, ये सब बहुत सूक्ष्म जो भक्तों का भाव है उसको देखते हैं भगवान। जैसे सुदामा ब्राह्मण थे, उन्होंने छोटा सा केवल चूड़ा दिया, लेकिन जो भगवान थे, भगवान ने उसको बहुत महान रूप से देखा। जैसे आपने ऐसे करेंसी नोट है, 100 रुपये का नोट है, तो वो बहुत बड़ा है 5 रुपये से। न्यूज़पेपर जो है बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत बड़ा होता है न्यूज़पेपर, लेकिन उसके अपेक्षा में छोटा जो पेपर है 100 रुपये का, वो बड़ा है, ज़्यादा उसका वैल्यू है ना। तो वैसे ही भगवान का अगर प्रसन्नता के लिए कुछ कार्य किया है, भले छोटा सा ही कुछ हो कार्य, तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन अगर आप बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे, तो क्या है? श्रम एव ही केवलम।
तो हमारे जीवन में भी हम जो भी कार्य करते हैं उसको हमें देखना चाहिए कि वो गुरु परंपरा के हिसाब से हो। हम गुरु परंपरा के खिलाफ जल्दीबाजी में बड़ा कार्य करने के चक्कर में और फिर हम भगवान की पसंद तक लेना करें और फिर हम सोचेंगे अरे मैंने इतना कुछ किया है लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूँ अभी। तो कुछ लोग ऐसा महसूस करते हैं, अरे मैं बहुत किया, उसके बाद रोते हैं वो। लेकिन मैंने कहीं बोला नहीं आपको ऐसा इतना करने के लिए, आपको कौन बोला करने के लिए? इतना सारा कार्य किया आपने लेकिन किसने बोला आपको? लेकिन आपको बोला नहीं गया था करने के लिए, लेकिन आपको किसी थोड़ा सा सेवा दिया गया, छोटा सा सेवा किया, तो उससे बहुत प्रसन्नता मिलती है भक्तों को और भगवान को। तो जो हम भगवान से जो संलग्न होकर के उनकी पसंद के लिए कार्य करते हैं वो बहुत बड़ा उपलब्धि है। लेकिन बहुत बड़ा कार्य करिए लेकिन भगवान से साथ में नहीं है, भगवान के लिए नहीं है, तो उसका कुछ मूल्य नहीं होता फिर वो। तो हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये ब्राह्मण जो हैं इनका बहुत सही मनोभाव था, क्योंकि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भगवान खुश होने चाहिए, क्योंकि भगवान देख रहे हैं हमको हर क्षण। तो पुत्र जो है, जो सूर्य है उसको आँख बोला जाता है, पूरे विश्व का आँख है सूर्य, चक्षुरे राज। तो भगवान सूर्य को क्यों आँख बोला जाता है ब्रह्मांड का? तो सूर्य को क्यों बोलते हैं आँख? क्योंकि बिना सूर्य के हम देख नहीं सकते किसी चीज़ को। रात में किसी बिजली के बिना आप कुछ देख नहीं सकते। तो ये जो आँख है, ये आँख निर्भर है किसके ऊपर? सूर्य को, भगवान के ऊपर, सूर्य के ऊपर। तो ये डिपेंडेंट आई है, निर्भर वाली आँखें हैं। तो और प्रकृति जो है वो स्वतंत्र नहीं है। जैसे प्रकृति में आप देखते हैं सूर्य उग रहा है, ढक रहा है, सीजन्स आ रहे हैं, फूल आ रहे हैं, मौसम बदल रहा है। तो ये प्रकृति जो है वो निर्भर है किसके ऊपर? कृष्ण के ऊपर। 9.10 में बोला गया है माया दक्षिण प्रकृति सूर्य सत्यासन। जैसे कि आप रोड पर जा रहे हैं, आपको सिग्नल मिलता है, सिग्नल रेड बंद, तो क्या बंद होना है वहाँ पे आपको? फिर ग्रीन सिग्नल आता है तो आपको चलना है। तो वैसे ही तो बच्चे वगैरह पूछेंगे कि अरे मौसम कैसे बदल, मतलब ये सिग्नल कैसे बदल रहा है लाल से हरा? तो बोलेगा अपने आप हो रहा है। तो वैसे ही आप देखेंगे प्रकृति में चीज़ें हो रही हैं तो कोई मूर्ख बोलेगा कि हाँ अपने आप हो रहा है, लेकिन भगवान की अध्यक्षता में हो रहा है। तो आँख के बिना, सूर्य के बिना हम देख नहीं सकते। तो सूर्य और चंद्रमा दोनों दो आँखें बोली भगवान की। तो भगवान को दृष्टा बोलते हैं क्योंकि वो वास्तविक देखने वाले हैं, क्योंकि भगवान देखते हैं इसलिए हम देख पाते हैं। अगर वो नहीं देखेंगे, जैसे सूर्य नहीं देखेगा, आप समझिए सूर्य कभी आराम करता है क्या? नहीं। तो जब सूर्य जो है वो अस्त होता है तो फिर हम सोने आते हैं। और तो हमारी आँखें जो हैं डिफेक्टिव भी हैं, मतलब सूर्य नहीं तो हम देख भी नहीं सकते। लेकिन आपके लिए भले रात हो जाए लेकिन सूर्य जो है कहीं और है, जैसे अमेरिका में होगा रात में, तो सूर्य कभी भी अंधकार को नहीं देखता। लेकिन अगर हम सूर्य के साथ जाएंगे हमेशा, जैसे हनुमान जी सूर्यदेव उनके गुरु हैं, सूर्यदेव गुरु हैं हनुमान के, तो हमेशा वो अंधकार को दूर लेके जाएंगे। तो भगवान की जो आँख है वो कभी ब्लिंक नहीं करती हैं, बंद नहीं होती हैं, चक्षुरचना रिष्यति। तो इसलिए ऐसे बहुत महान हमें आदर विकास होना चाहिए भगवान के प्रति, उनकी आँखें कभी बंद नहीं होती हैं, उनका कभी साक्षी हटता नहीं है, प्रलय भी क्यों ना हो जाए, सब पानी जो है जनलोक तक चला जाता है। विष्णु जो है वो दुग्ध सागर में लेटे रहते हैं योग निद्रा में और देखते हैं, वो तुरिया स्टेज में रहते हैं, समाधि स्टेज में स्तर पर। तो वही भगवान जो पांच रूप में आते हैं तो उसमें से एक रूप है भगवान कृष्ण जो आते हैं अर्च विग्रह। तो बाकी रूपों में भी आते हैं, दुग्ध सागर भगवान आध्यात्मिक जगत में अलग अलग परमात्मा के रूप में, तो उसमें से एक जो रूप है वो क्या है? अर्च विग्रह। तो जितना हम भगवान का शक्ति समझ पाएंगे, भगवान का महानता समझ पाएंगे, भगवान का सर्वव्यापी पहलू परमात्मा के रूप में समझ पाएंगे,
उतना हमारा भगवान के प्रति श्रद्धा और आदर बढ़ता है और फिर अर्च विग्रहों की सेवा बहुत लाभदायक हो जाती है। वरना अगर कोई व्यक्ति अंधकार में है, मूर्ख है, अज्ञानी है, श्रद्धा नहीं है, और क्यों हमें श्रद्धा नहीं होती, हमारे पुराने गलत कर्मों के कारण, जिद्दीपना के कारण, बहुत ज़्यादा हमारे खुद के इंद्रियों के प्रति श्रद्धा होने के कारण, अपूर्ण इंद्रियों के प्रति श्रद्धा होने के कारण, या फिर नास्तिक लोगों का संग लेने से, या मायावादी लोगों का संग लेने से, या फिर बहुत ज़्यादा भौतिक भोग या भौतिक शरीर या परलिंग के प्रति जो बहुत तीव्र आकर्षण, इन सब के कारण श्रद्धा कम होती है। तो इसलिए कुंती बनाने के जो प्रार्थना में प्रभुपाद जी ऐसा लिखते हैं उनके तात्पर्य में, तो अगर जब श्रद्धा बहुत पतली है तो फिर व्यक्ति जो है भगवान को आदर नहीं कर पाएगा अर्च विग्रह के रूप में। तो एक श्लोक आता है प्रभुपाद जी, कैसे इमानी भूतानी जायन्ते, तो वो श्लोक बहुत बड़ा है, सो बताते हैं कि कैसे जो सारी शक्तियां हैं इस दुनिया में ये सब भगवान से निकल रही हैं, इसलिए जन्मादि से अतः बताया गया। तो भौतिक जो शक्तियां हैं भगवान से आई हैं, आध्यात्मिक शक्तियां जो हैं भगवान से आई हैं। तो जब भगवान जो हैं इन बद्ध जीवात्माओं को देखते हैं कि कैसे वो अंधे हैं, उनको पूरी तरह से निर्भर हैं वो, जैसे कि आज आप देखेंगे 2 बजे कुछ पावर नहीं था शक्ति, तो मैं सुबह उठा तो मैं देखा कह रहे कुछ है ही नहीं, पूरा अंधकार है, तो कुछ प्रयोग ही नहीं कर सकते। तो भगवान की जो आँखें हैं वो हमेशा देख सकती हैं सूर्य और चंद्रमा। तो वैसे ही प्रभुपाद एक बार लेक्चर में दे रहे थे कि सूर्य और चंद्र भगवान की आँखें हैं, लेकिन एक प्रभुपाद के शिष्य ने पूछा कि देखिए प्रभुपाद भगवान का चेहरा मतलब कैसा, तो बोले कि हाँ प्रभुपाद भगवान की आँखें हम देख रहे हैं तो उनका चेहरा भी देख, तो आपने क्या बिल्ली का चेहरा देखा है क्या रात में, केवल 2 आँखें दिखती हैं, क्योंकि आप अंधकार में हो, अभी तमोगुण के अंधकार में हो, भौतिकगत में अंधकार में हो, इसलिए केवल आप भगवान की आँखें देख पाते हो, सूर्य और चंद्र चेहरा नहीं देख पाते। तो वैसे ही जब आपको रात में अंधेरे में आप जा रहे हो, जब बाथरूम जाना है अंधेरा है तो आपको दीवार पकड़ना पड़ता है, देखना पड़ता है, कभी किसी टकरा गए तो कह के अरे कौन है, फिर उसका किसी का दांत उसका चमकता है तो अरे कौन है ये आप। तो इस प्रकार से जब आदर होगा भगवान के प्रति तो भगवान जो हैं वो अपने आप को प्रकाशित करते हैं भौतिक तत्वों के माध्यम से, धातुओं के माध्यम से, अर्च विग्रह के रूप में। तो ये सारे जो भौतिक तत्व भी हैं वो कहाँ से आए, भगवान से आए, तो अगर भगवान से आए तो भगवान उनके माध्यम से अपने आप को प्रकाशित भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। तो जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं टाटा कंपनी में जब गए थे तो बोले थे कि बहुत बड़ा कार्यकलाप चल रहा है, सब जगह पर टाटा का नाम था, टेबल पर, चेयर पर टाटा 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 टाटा, बड़े बड़े मशीनों पर टाटा, लेकिन टाटा नहीं है वहाँ पर, ना हम तेषु अवस्थितः। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि भले बहुत दूर हैं गोलोक में, लेकिन उनकी अध्यक्षता में, उनके मार्गदर्शन में ये सभी लोग, प्रकृति के लोग, सब प्रकृति चल रही है, ग्रह चल रहे हैं, पंचांग सब बन रहा है उसके हिसाब से, ना सब सितारे वगैरह, तो सब कुछ बिल्कुल सटीक रूप से चल रहा है। तो इसलिए हालांकि भगवान बोल भी रहे कि मैं बहुत दूर हूँ, तब गजेंद्र ने प्रार्थना किया तो क्या बोले कि इवात्व दूरम, तो वो बोल रहे हैं कि अरे दूर नहीं है, वो लग रहे हैं कि बहुत दूर हैं लेकिन वो बहुत ही पास भी हैं। सर्वभूतस्थम ऐसा बताया गया था, सबके हृदय में है। नास्तिक के लिए क्या है, वो बहुत दूर है, लेकिन भक्त जो है बहुत ही प्रेम उनको होता है तो वो उनको भगवान बहुत पास दिखते हैं। फिर तो पढ़ सकते हैं, तो जो मध्यम है, तो अगर आप याद करेंगे जब मैं इसको शुरुआत करने से पहले हमारा पहले चर्चा हुआ था, जो गृहस्थ हैं उनको क्या करना चाहिए, अर्थ विग्रहों का पूजा करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, अगर ना करे तो चलेगा, जो पूरे प्रकार से अपराधों से छूट चुका है, जो भौतिक कर्म से पूरी तरह से मुक्त हो चुका है, जो शरीर से बिल्कुल भी उसका है ही नहीं कुछ लेना देना, तो ऐसा व्यक्ति अगर नहीं भी करता है अर्च विग्रह तो कोई प्रॉब्लम नहीं, समस्या नहीं, वो लगातार भगवान को स्मरण कर रहा है हर क्षण, तो वो भी अर्च विग्रह की सेवा कर रहे हैं कैसे, अपने हृदय में,
तो अगर वो नहीं भी करता है चौकरों की सेवा तो चलता है। तो जी गोस्वामी बोलते हैं तो इस प्रकार के जो व्यक्ति ऐसे बहुत कम होते हैं कलयुगा में। हमें इतना भौतिक कलमश और इतने भौतिक रूप से भौतिक ध्वनियाँ हैं, तो गृहस्थ जो हैं उनको कंपनी जाना पड़ता है, भौतिक शक्ति से बहुत लेना देना होता है। हम हाउसिंग कॉलोनी में तो पड़ोस में जो लोग हैं वो भी भक्त नहीं होते कई बार, तो अभी भक्त मंदिर के सामने तो यहाँ श्री के आसपास बहुत सारे भक्त हैं, लेकिन बाकी कई जगह पर देखेंगे तो भक्त जो हैं वो बहुत सारे अभक्तों के आसपास से चारों तरफ रहते हैं। तो ब्रह्मचारी जो भी हैं उनको भी जिनको भी लगता है कि हालांकि हम लोग बहुत सालों से कर रहे हैं लेकिन भौतिक कलमश अभी भी है हृदय में, वो निकल नहीं रहा है हृदय से। तो इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति को तुरंत जी गोसाई बोलते हैं कि वहाँ पर ऐसे लिखा है कि अर्च विग्रहों की सेवा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्च विग्रहों के साथ लगातार या काफ़ी बार बार उनके साथ सेवा हो तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा जो मन जो है मग्न हो जाएगा भगवान में। तो जो श्लोक कौन सा है, नते विदु स्वार्थ, नहीं वो वाला श्लोक नहीं, तत्साधु मन्य असुवैरदहीनाम सदा समुद्विघ्न धियाम असद्गृहात। असद्गृहात का मतलब क्या है, भौतिक कलमश को पकड़ के रखना इस दुनिया में धनम जनम सुंदरीम से। अगर मन जो है वो तैयार नहीं छोड़ने को, ऐसे कर रहा है, पागल है, सदा समुद्विघ्न, तो हमेशा वो हाइपर एक्टिव होते हैं हमारे मन, अपने मन में, तो मन कभी शांत नहीं रहता, बार बार भागते ही रहता है। तो उनको क्या करना चाहिए, बार बार लगातार अर्च विग्रहों की सेवा करना, हमेशा अर्च विग्रहों को पकड़ कर, आप मन जो है माया को पकड़ रहा है, आप विग्रहों को पकड़ के रखो इस प्रकार से। तो क्योंकि व्यक्ति जो है आसक्त है पत्नी से, बच्चों से, माता से, पिता से, वो बच्चों वो अपने बच्चों का स्पर्श करता है माता पिता, तो स्पर्श जो है बार बार भागवत ने बताया गया है, मात्र स्पर्श, जैसे स्पर्श बार बार आता है भगवत गीता में, तीन चार और श्लोक है स्पर्श। स्पर्श का मतलब मैथुन जीवन या फिर भौतिक आसक्ति। तो जितना भौतिक स्पर्श हमें समस्या हो कर रहा है उतना हमें आध्यात्मिक स्पर्श होना चाहिए, विग्रहों के साथ हमें डील करना चाहिए, हमें नम्रता होना चाहिए कि हाँ मैं भौतिक से आसक्त हूँ, श्रद्धा होना चाहिए कि कृष्ण से अलग नहीं है अर्च विग्रह। तो दो चीज़ अगर है तो माया को आप दूर कर सकते हो बहुत आसानी के साथ, क्योंकि लोग नम्र हैं कि हमें मेरे को बहुत सारा कलमश हृदय में, और भगवान का जो रूप है वो भगवान का बहुत ही कृपा रूप है, और हमारे गुरु ने हमको ये विग्रह दिए हैं और ये मेरे क्या हैं आश्रय हैं, और उस तरह समझ करके वो विग्रहों की सेवा करता है। तो बहुत सारे जो गृहस्थ भक्ति आते हैं, गृहस्थ भक्त आते हैं हमारे मंदिर में, तो उनको क्या करना चाहिए, गृहस्थ विग्रहों की सेवा। और माता जी लोग आते हैं वो माला बनाते हैं, कुकिंग करते हैं, तो इस तरह से अगर करेंगे तो धीरे 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 चेतना जो है वो उसका प्रगति हो जाता है, जैसे जैसे आप विग्रहों की सेवा से करेंगे। तो जैसे सुंदरता है विग्रहों की वो बढ़ती जाती है भक्तों की सेवा से। तो इस तरह से मन जो है उसका मग्नता बढ़ता है, इंद्रियां जो हैं उस सेवा में लग जाती हैं, बुद्धि जो है उसका भी वो भी लग जाता है, कैसे कुकिंग करेंगे अच्छे से, विग्रहों की सेवा श्रृंगार कैसे अच्छे से करेंगे। तो इस प्रकार से भक्ति बढ़ती है हमारी और हमारा मग्नता बढ़ता है, और माया से पदार्थों में जो मग्न है उससे निकल जाता है और भगवान में हमारी मग्नता लगती है। ये अर्च विग्रहों से हमारा इनकी सेवा करके ही फायदा होता है। तो उत्तम भक्त जो होते हैं और मध्यम जो भक्त होते हैं वो अपने आध्यात्मिक परिपक्वता कारण प्रशंसा करते हैं भगवान का। तो श्लोक में एक बताया गया है कि जो कनिष्ठ हैं, जब परम पूज्य प्रोदनाश्वती महाराज यहाँ पे थे तो बोल रहे थे कनिष्ठ कौन है, जो विग्रहों की सेवा करते हैं और वो महाप्रसाद को छुपा के रखता है। तो श्रद्धा है भगवान में कि भगवान प्रभु हैं, वो पूजा करता है, लेकिन उसको भौतिक आसक्ति भी है और उसको पता नहीं है भक्तों का क्या मूल्य है। वो सोचता है अपने आप को मैं बहुत महान भक्त हूँ, आत्मन भक्ति तर्पता, जैसे बता रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल उसको ही अर्च विग्रह का सेवा करना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए।
अगर कोई विघ्नों की सेवा कर रहा है गुरु की आज्ञा के अनुसार, धीरे धीरे वो शुद्ध होता है और जब और फिर वो भगवान का गुणगान करने लगता है, कैसे? श्रीमद् भागवत के रूप में। कैसे समझेंगे कि आप वो प्रशंसा कर रहा है भागवत का? क्योंकि वो उसमें दिलचस्पी लेता है। तो अगर आप किसी चीज़ को गुणगान करते हो, उसका मतलब उसके प्रति आपकी प्रशंसा का भाव है। तो अगर आप प्रशंसा का भाव है तो फिर आप प्रशंसा करोगे, अरे वाह कितना अच्छा भागवतम क्लास था आज, कितना अच्छा मुझे पॉइंट्स मिला हमारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए, अनुसरण करने के लिए, इतना हृदय स्पर्शी था, इस प्रकार से लगेगा। लेकिन अगर उसको इस प्रकार का प्रशंसा नहीं विकसित हुआ है तो फिर तो व्यक्ति सोचेगा कि मैं कुछ और करूं क्या उस समय, तो क्या जरूरी है क्या उसको श्रवण करना? तो हर व्यक्ति को देखना चाहिए कि ये जो प्रशंसा है बढ़ रहा है हमारा कि नहीं बढ़ रहा है, या हम केवल न्यूट्रल हैं। केवल भागवतम कक्षा ही नहीं, भागवतम कक्षा के अलावा भी जब प्रपद का पुस्तक पढ़ रहे हैं, दूसरे भक्तों को बात करें, परस्पर अनुकथनम पावनम भागवत श्रेय, तो क्या स्वाद बढ़ रहा है? तो धीरे धीरे बढ़ता है जब विग्रहों की सेवा करते हैं। तो हम देखेंगे कि आप जो भागवत में पढ़ते हैं कृष्ण है, और जो विग्रहों में आप देखते हैं राधा वृंदावन चंद्र, जब जब आप कावड़ बॉयज ग्वाल गोपाल देखते हैं जंगल में हैं, जब वो जा रहे हैं तो आप समझ जाते हैं कि अरे तो राधा वृंदावन चंद्र ही हैं। हमारे दो बैकड्रॉप हैं, एक बैकड्रॉप है जहाँ पे गोपियाँ जो है कृष्ण के साथ डांस कर रही हैं, नृत्य कर रहे हैं राधे राधे, और दूसरा बैकड्रॉप इसमें कि ग्वाल बाल हैं सब, वो लोग जा रहे हैं। तो दोनों ही एक ही व्यक्ति हैं, राधा वृंदावन चंद्र ही हैं। तो अगर हम भागवत पढ़ते हैं तो कृष्ण जो हैं वो भागवत से निकलेंगे और आपके चित्त में चले जाएंगे, हमारे सिस्टम में चले जाते हैं, हमारे हृदय में चले जाते हैं। उसके बाद फिर हमारा जो स्मरण है बढ़ता है। तो विग्रहों की सेवा करके, पूजा करके और भागवत का पठन करके, दोनों का ही परिणाम एक ही होता है और दोनों ही एक दूसरे के पूरक भी हैं। अर्च विग्रहों की सेवा करेंगे तो उससे हमारा आतुरता बढ़ता है पढ़ने का, और जब भागवत पढ़ते हैं तो उससे हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है, दिलचस्पी बढ़ती है विग्रहों की सेवा करने की। इस प्रकार से तो अरे जो ग्वाल बाल हैं वो कृष्ण के मसाज कर रहे हैं चरणों का, तो फिर हमें भी करना चाहिए। इस प्रकार से तो बलराम जी मसाज कर रहे हैं तो हमको भी वही मौका मिल रहा है विग्रहों की सेवा करने का, राधा वृंदावन चंद्र की सेवा करने का। तो इस प्रकार से तो उस व्यक्ति सोचेगा हमें भागवत पढ़ना हो तो मैं कुछ को सेवा भी करना चाहिए भगवान की, मुझे सेवा का मौका दे रहे भगवान। तो बहुत सारे ग्वाल बाल जो प्रसाद जो थे वो घर से लेके आए थे तो कृष्ण के साथ वो शेयर करते हैं रागात्मिका स्तर पर, वो रागात्मिका भक्ति। तो हमें रागात्मिका नहीं है अभी हमारा, अभी हम वैदिक साधन भक्त हैं, लेकिन कम से कम हम कुछ भगवान को कुछ अर्पण करने की हमारी भावना होती है, तो हम भगवान के विग्रहों के लिए कुछ बनाने का हमें भाव जागृत होता है। तो दो प्रकार की सेवा है। एक प्रकार की सेवा है कि जब भागवत को हम पढ़ते हैं तो उसके बाद हमारा जो इंद्रियाँ हैं वो बिल्कुल जागृत हो जाती हैं, आध्यात्मिक रूप से आप बहुत ही बिल्कुल जागृत हो जाते हैं और को लगता है कि अरे अभी मुझे सेवा करना चाहिए, तो बहुत अच्छा है इस तरह से। तो दीक्षा भी हमें ऐसे ही लेना चाहिए, जब हमारा हृदय जो है बिल्कुल लाल लोहे गर्म लोहे की तरह है, क्योंकि उसको अगर आप मारोगे तो चेंज हो जाता है, वो बदलता है। तो वैसे ही हमारी दीक्षा का समय भी हमारा ऐसे हृदय होना चाहिए। तो जब हम विघ्नों की जब हम सेवा करते हैं तो वो सही भाव होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए, आतुरता होना चाहिए सेवा करने की। फिर धीरे धीरे प्रेम जागृत हो रहा है तो सेवा का समय भी भगवान का स्मरण होता है, तो ये बहुत अच्छा स्तर है। लेकिन इस प्रकार से नहीं हो रहा है तो फिर हमें कुछ ऐसा चिंता करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन सेवा करते रहना चाहिए। तो धीरे धीरे जब सेवा से करते जाएंगे विग्रहों की, भागवत पढ़ते जाएंगे, तो फिर जैसे विग्रहों की सेवा करेंगे तो उससे हमारा भागवत में रुचि बढ़ेगा, उससे शास्त्रों को पढ़ने को और इच्छा होगा, और उसको पढ़ेंगे जितना उतना और सेवा करने का भाव और अच्छे से परिपक्व होगा, जागृत होगा। इस प्रकार से एक दूसरे को सहायक हैं, पूरक हैं। तो वो अपने आप में ये चर्चा करते हैं, आचार्यों का पुस्तक उसके अपने साक्षात्कार के रूप में लिखते हैं। हालांकि जो उत्साही लोग हैं वो नौसिखिया लोग हैं, उतने प्रगत नहीं होते हैं, लेकिन वो बहुत उत्साही होते हैं अपने नए नए चीज़ को बताने के लिए। तो जो लोग भगवान का स्मरण कर रहे हैं
वो जब गुणगान करते हैं तो बहुत अच्छे से वो गुणगान कर सकते हैं अगर स्मरण हो रहा है तो। जब शास्त्रों का जो पढ़ते भी हैं तो सबसे संभव तो ठीक है, वो समझ पाते हैं, हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें क्या आचार्य बोलना चाह रहे हैं वो हम समझ नहीं पाते। तो बिना भगवान के मदद से हृदय में तो ये संभव नहीं है समझ पाना उसको, उसका गहराई जो है उसका समझ हम समझ नहीं पाएंगे, और उससे हम उसके पाठ को समझ नहीं पाएंगे, उसको हम मनन नहीं कर पाएंगे, उसको प्रशंसा नहीं कर पाएंगे उस प्रकार से। तो इस तरह से बोल रहे हैं, जब वो कनिष्ठ से मध्यम अधिकारी के स्तर पर जाता है, उत्तम अधिकारी में, तो फिर उनको ये सब करना चाहिए। तो इस तरह से हम भले आध्यात्मिक रूप से प्रगत ना हों, हो सकता हम केवल हम बुद्धि के स्तर पर हम पढ़ रहे हैं, केवल हम उसको निगल रहे हैं, उसको रिपीट भी कर रहे हैं, कि मेमोरी स्मृति के कारण हम कर रहे पा रहे हैं, उसको श्लोका याद हो रहा है हमको, कंटेंट याद रहता है, तो उससे क्या। तो इस तरह से कर रहे हैं अगर, तो धीरे धीरे फिर हम देखेंगे वो धीरे धीरे उनका जो स्वाद है भक्ति में वो उतना नहीं रहता है, फिर वो सांसारिक चीज़ों में जा सकते हैं। तो ड्रामा नहीं कर सकते ज़्यादा साल तक, तो एक साल दो साल चलता है, फिर उसके बाद हम लगातार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भक्ति जो है बिल्कुल अलग रूट है, अलग ही रास्ता है। तो श्रीमती राधा रानी के हाथ में है, तो श्रीमती राधा रानी जब खुश हैं किसी से तो उनको श्रद्धा देती हैं, उनको कृपा देती हैं। केवल बौद्धिक स्तर पर आप आगे नहीं जा सकते हो जब तक हमारा हृदय उसमें नहीं लगा हो। इसलिए हमारा जो पढ़ाई है वो केवल बुद्धि के स्तर पर वो कसरत नहीं होनी चाहिए, बुद्धि की कसरत, उसमें पढ़ाई भी होना चाहिए और सेवा भी होना चाहिए, तो दोनों का ही मिश्रण होना चाहिए। इसलिए जो शुरुआती भक्त हैं वो धीरे धीरे अपने आप को आगे के स्तर पर लेके जाना चाहिए भक्ति में, और धीरे धीरे योग्यता बढ़ानी चाहिए, मतलब कनिष्ठ कनिष्ठ नहीं रहने चाहिए, उनको मध्यम बनना चाहिए धीरे धीरे। क्यों अपने आप को हमें आगे बढ़ाना है, ताकि हम श्रवण कर पाएँ भगवान के बारे में, और तो बाकी आगे कोई कह सकता है मैं पहले से सुन चुका हूँ कृष्ण के बारे में, मुझे कृष्ण के बारे में पता है पहले से, कृष्ण जो हैं वो हमेशा वो बढ़ता जा रहे हैं, तो कृष्ण के की जो जो ज्ञान है वो बढ़ता ही जाता है। कोई कह नहीं सकता कि मैं कृष्ण माने सब कुछ जानता हूँ, नहीं, कृष्ण तो असीमित रूप से असीमित संदेश है। शास्त्र और आचार्य जो हैं वो अच्छे की सेवा हमें बतलाते हैं करने के लिए, ताकि हम शुद्ध बने और हर प्रकार के नौसिखिया भक्त जो है वो प्रगति करे। और जब भगवान के विग्रहों का रूप देख करके हम जब हम शुद्ध होते हैं, उनके सामने नमस्कार करते हैं, उनको हम फल अर्पण करते हैं, अपने कार्यों का फल अर्पण करते हैं, तो नौसिखिया जो हैं उनकी इच्छा और उनका योग्यता बढ़ता है भक्तों का संग करने का भी। तो दो प्रकार से भक्तों की अर्चकों की सेवा कर सकते हैं, मंदिर में आप भगवान को नमस्कार कर सकते हैं, उनको पुष्प अर्पण कर सकते हैं, बोलना शुरू करो तो आप वंदन कर रहे हैं, तो ये भी अर्चकों की सेवा है। या फिर अल्टर में जाना, भगवान को भोग लगाना, भगवान को आरती देना। बैठो 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 बैठो, तो ये दोनों जो है हमारे हृदय को शुद्ध करते हैं। टेंपल हॉल में खड़े होकर पूजा करना है, बल्कि अल्टर के अंदर जाके भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान को प्रणाम करना, जैसे मैं प्रवचन कर रहा हूँ। तो इसलिए हमें चाहिए कि भगवान के पास व्यक्तिगत स्तर पर जाएं और भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान करें। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमें चाहे भक्तों के संग में कितना भी कष्ट हो, हमें भक्तों का संग छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए किचन में जब माँ जो रहती है, जब गर्माहट को सहन करती है तो ही वो कुकिंग कर पाती है। तो इसलिए हम देखते हैं कि गर्मी के दिन में रसोई में कितनी गर्मी होती है, है ना, चूल्हे पे जब माँ रसोई बनाती है तो इतनी गर्मी को सहन करने के कारण ही वो कुकिंग कर पाती है। तो ऐसे ही कभी कभार हम भक्तों के संग में चाहे हमें कितना भी कष्ट हो, हमें उसको छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे गरम गरम अगर गन्ने का जूस दिया जाए तो वो मीठा है इसलिए उसको हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन उसकी गर्माहट को सहन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें भक्तों के संग में हमेशा भक्तों के संग को अच्छे तरीके से लेना चाहिए। जैसे अभी कभी कभी बादल में
बादल में बिजली कड़कती है लेकिन बारिश भी होती है, तो इसलिए दोनों को लेना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही हमें भक्तों के संग में रहकर सेवा करनी है। और होता क्या है कि जब हम भगवान के अर्चा विग्रहों की सेवा करते हैं तो अर्चा विग्रहों की सेवा करने से धीरे धीरे भक्तों की सेवा करने की भी इच्छा बढ़ती है। और हमें क्या करना चाहिए, हमें वरिष्ठ भक्तों का प्रवचन सुनना चाहिए। हाँ, जैसे कभी कभार क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े महाराज लोग यहाँ पे आते हैं, तो हमें चाहिए कि हम उत्साहपूर्वक उनके प्रवचन को सुने। बाद में काफ़ी बार क्या होता है, प्रवचन के बाद पूछते हैं कि किसी को कुछ प्रश्न है क्या, तो हमारे मन में एक ही प्रश्न रहता है कि प्रसाद कब मिलेगा। तो इस तरीके से प्रवचन सुनने से ज़्यादा लाभ नहीं होगा। और काफ़ी बार क्या रहता है, प्रश्न पूछते समय किसी को शर्म आती है, तो इसलिए ये सब शर्म भय ये सबसे परे होकर अगर हम श्रवण और कीर्तन करेंगे तो ही हम भक्ति में प्रगति कर पाएंगे। मद्दिष्ट दर्शन स्पर्श पूजा स्तुति अभिवंदन है भूतेषु मद्भावनया सत्वेन संगमेन च। जो भक्त होता है वो हमेशा, भगवान बता रहे हैं कि मेरे विग्रहों की का दर्शन करता है, मेरे चरण कमल छूता है और मुझे प्रार्थना करके मुझे अलग अलग प्रकार के व्यंजन प्रदान करता है। तो इस तरीके से पहले हमें क्या करना चाहिए कि भगवान के अर्चा विग्रहों का दर्शन करना चाहिए और फिर भगवान के कोमल चरणों का स्पर्श करना चाहिए, भगवान को अलग अलग प्रकार से व्यंजन देके उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। और जब ऐसा करते हैं तो हमारे दिल में वैराग्य उत्पन्न होता है। तो ऐसा जब वैराग्य जब हमारे दिल में आता है तो धीरे धीरे हमारे दिल से रजोगुण और तमोगुण जाता है और हमारे अंदर सत्वगुण आता है और तब धीरे धीरे मालूम चलता है कि ये सब चीज़ें सामान्य नहीं है। थोड़ा कम कर दीजिए। हरे कृष्ण। तो भगवान के विग्रहों की आराधना करने से दो और फायदे होते हैं। एक होता है कि हमारा भगवान के बारे में श्रवण करने का रुचि जो है बढ़ जाता है और दूसरा हमारा मन हमारे मन में भगवान का श्रवण करने की इच्छा और ज़्यादा तीव्र होती है और ज़्यादा बढ़ती है श्रवण करने की क्षमता। तो होता क्या है कि जब हमारे श्रवण करने की इच्छा बढ़ती है तो होता क्या है कि कभी बार प्रवचन के बीच में हमारा मन इधर उधर जाता है, लेकिन जब हमारी भक्ति बढ़ती है तो जो मन इधर उधर जाने की समस्या है वो भी कम हो जाती है। तो मतलब भगवान के श्रवण के ऊपर मन लगा के श्रवण करना धीरे धीरे बढ़ता है, ये जो क्षमता है बढ़ जाती है। और काफ़ी बार क्या रहता है कि हमारा मन तो लगता है लेकिन ज़्यादा समय तक मन नहीं लगेगा, जैसे बीच बीच में हमारा मन इधर उधर जाता रहेगा। जैसे कभी कभार हम त्यौहार के दिन में अगर घंटों तक का प्रवचन होता है तो 9:30-10 बजे तक की क्लास चलता है ना, तो तुरंत भक्त लोग घड़ी देखने लग जाते हैं। जैसे हमें मुझे याद आता है कि जब मुंबई में जब प्रवचन सुनते थे तो याद आता है कि उपवास के दिन दोपहर को 12 बजे तक प्रवचन चलता था और एक बार क्या हुआ कि प्रवचन 2 बजे तक चला था। हाँ, तो ऐसे 5 दिन तक कथा चली थी और 5-5 पूरा 2 बजे तक क्लास चलता था प्रवचन। तो और सुबह को सिर्फ थोड़ा चना खाते थे तो सीधे दोपहर तक हम सुन पाते थे। तो ऐसा करने से धीरे धीरे हमारा जो श्रवण करने की जो क्षमता है वो बढ़ती है। मतलब 6-6 घंटे हम प्रवचन सुना करते थे एक जगह सुन के भगवान का श्रवण करना। तो आज अगर देखे जाए तो आज हमारी क्षमता कितनी कम हो चुकी है श्रवण करने की। मैंने एक बार मंदिर में पूछा कि भागवतम कितने समय का था, तो उन्होंने बोला 20 मिनट का। तो मैंने बोला प्रेयर्स जोड़ के या प्रेयर्स को छोड़ के, क्योंकि ओम अज्ञानति मेरे अंदर से करने से ही 20 मिनट हो जाएंगे। मतलब लोगों को श्रवण करने की क्षमता इतनी कम हो चुकी है, तो इसलिए ये श्रवण करने की जो क्षमता है जब बढ़ती है, कब बढ़ेगी, जब हम भगवान के अर्चा विग्रहों की सेवा करते हैं। तो जैसे भगवान का श्रृंगार करना, भगवान को वस्त्र देना, भगवान का षोडश उपचार करना,
तो ऐसा करने से जब हमारे दिल में धैर्य आता है और वो धैर्य से धीरे धीरे श्रवण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है और हमारा जो भगवान की सेवा भगवान के श्रवण के प्रति जो मनोभाव होता है वो और अच्छा हो जाता है, हम और ज़्यादा ध्यानपूर्वक सुनते हैं। और जैसे दूसरा तरीका क्या रहता है कि एक जगह बैठ के जप करना कि आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं एक जगह बैठ के 16 माला का जप करूँगा। जब इस प्रकार से जब हम प्रण लेते हैं तो उससे भी हमारी क्षमता धीरे धीरे भक्ति में बढ़ती है। तो इसलिए भगवान के अर्चा विग्रहों की सेवा करने के लिए धैर्य बहुत ज़्यादा होना चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए। काफ़ी बार क्या होता है कि भगवान को पगड़ी पहनाते हैं और बाद में पहनाने के बाद मालूम चलता है कि पीछे से नीचे आ रहा है, तो इसलिए वापस खोल के वापस पहनना पड़ता है। तो और कभी कभार क्या होता है पूरा श्रृंगार करने के बाद भी लास्ट में हम देखते हैं कि पगड़ी थोड़ी ढीली हो गई है तो हमें वापस पहनाना पड़ता है। तो इस तरीके से भगवान का श्रृंगार करने के लिए हमारे दिल में धैर्य बहुत ज़्यादा होना चाहिए और ये धैर्य के साथ जब भगवान के अर्चा विग्रहों की सेवा करते हैं तो धीरे धीरे भगवान की भक्ति श्रवण करने की जो हमारी जो क्षमता होती है वो भी बढ़ने लगती है। तो इस तरीके से हमारे दिल में हम धैर्य बढ़ाकर भगवान के श्रवण की जो हमारी क्षमता है उसको बढ़ा सकते हैं। और भगवान के अर्चा विग्रहों की जब हम सेवा करते हैं ध्यानपूर्वक तो धीरे धीरे कृष्ण के व्यक्तिगत स्वरूप के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान देखते हैं कि ये जीवात्मा मुझे सेवा करने का इतना प्रयास कर रही है और इतना कष्ट कर रही है, तो भगवान की हमारे ऊपर दया होती है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि भगवान के आशीर्वाद से ही हमारे मन की जो दुर्दशा है वो ठीक होगी। और क्या होता है कि जब हम भगवान की आराधना करते हैं तो भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ जाती है और भगवान की आसक्ति बढ़ने के बाद हम भगवान के बारे में और ज़्यादा सुनने का इच्छा करते हैं कि मैं भगवान के बारे में और जानूँ, भगवान की लीलाओं के बारे में और जानूँ। इसी कारण से हम क्या करते हैं, फिर हमें इच्छा होती है कि कोई कोर्स अटेंड करूँ, कुछ शास्त्रों का अध्ययन करूँ। हाँ, और हम सोचते हैं कि क्यों इतने सारे भक्त लोग इतना ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, तो हमें भी जानने की जिज्ञासा आती है मन में भगवान के बारे में और ज़्यादा गहराई में जाने की। ये इच्छा कब आएगी? ये इच्छा तब आती है जब हम भगवान के अर्चा विग्रहों की अच्छे से प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं, तो धैर्य पूर्वक। तो हम भगवान के बारे में पढ़ना चाहते हैं, भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं, भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने वैसा क्यों किया, भगवान के ऐसा करने के पीछे क्या कारण था। तो ये सब चीज़ें जानने की हमारे मन में जिज्ञासा आती है कब, जब हम भगवान के अर्चा विग्रहों की प्रेम पूर्वक धैर्य पूर्वक अच्छे से सेवा करते हैं तो। और जैसे जैसे सेवा बढ़ती है वैसे वैसे भगवान को श्रवण करने के लिए, भगवान के बारे में पढ़ने के लिए हमारा दिल साफ होता है और उनके विषयों के बारे में जानने की रुचि बढ़ती है। तो श्रवण और पठन करने की रुचि भी बढ़ जाती है। किसके बारे में श्रवण और पठन? केवल भगवान के बारे में। शुरू में हमें थोड़ा ज्ञान के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की ज़्यादा इच्छा होती है कि कर्म कैसे कार्य करते हैं, कैसे प्रकृति के तीन गुण कार्य कर रहे हैं। हाँ, तो इस तरीके से दर्शन से संबंधित कृष्ण भावनामृत के जो दर्शन है उससे संबंधित ज्ञान प्राप्त करने की शुरू में इच्छा होती है। जैसे हाल ही में एक प्रवचन सुन रहा था कि पतंजलि योग सूत्र, बहुत सारे भक्तों ने उसमें पंजीकरण करवाया, हाँ, कि उनको जानना है कि पतंजलि योग सूत्र क्या है। मतलब हमेशा हमारे दिल में इच्छा रहती है कि कुछ और जानूँ, थोड़ा और जानूँ, हाँ, वो चीज़ें जानूँ जो मैंने अभी तक सुना नहीं है या जो प्रभुपाद किताबों में हमें नहीं मिलता। जैसे लोग बोलते हैं कि हमने पतंजलि योग सूत्र के ऊपर प्रवचन सुना, हाँ, लेकिन होता क्या है कि हम यम नियम उसमें सुनकर अंत में हम यही देखते हैं कि यम नियम बताने के बाद ध्रुव महाराज का लीला सुनते हैं और भगवान की भक्ति के प्रति हमारी रुचि बढ़ती है। तो इस तरीके से शुरू में थोड़ा ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है, लेकिन वो भी ठीक है क्योंकि उससे भी भगवान के व्यक्तिगत स्वरूप के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ता है। कम से कम मूवी के हीरो और हीरोइनों का चिंतन और मनन करने से अच्छा है हम भगवान के बारे में श्रवण करें और पठन करें। तो इस तरीके से जीवात्मा जो है हर कोई जिज्ञासा है, कृष्ण को छोड़ के जीवात्मा कुछ और जानना चाहती है। जैसे हम देखते हैं कि बकासुर, जब बकासुर कृष्ण के मुंह में घुसे
तो बकासुर को इतनी गर्मी लग रही थी कि बकासुर को इतना कृष्ण गर्म लग रहे थे कि बकासुर कृष्ण को मुंह से बाहर निकालने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। तो ऐसे तरीके से जो कृष्ण का जो विषय है, कृष्ण से संबंधित विषय है, वो अक्सर बद्ध जीवात्माओं के लिए बहुत गर्माहट का स्रोत बन जाता है। तो इसलिए बद्ध जीवात्मा क्या होती है कि कृष्ण को छोड़ के बाकी सब सुनना चाहती है, बाकी सब पढ़ना चाहती है। तो इसलिए कभी कभार क्या होता है कि हमें वेदों में अप्रत्यक्ष तरीके से शुरू में लिया जाता है, आकर्षित किया जाता है, और बाद में हमें धीरे धीरे कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ाया जाता है वेदों के जरिए। क्यों? क्योंकि जब हम अप्रत्यक्ष तरीके से भगवान का गुणगान सुनते हैं तो हमारे हृदय में शुद्धता आती है, और जब हृदय शुद्ध होता है तो हम सीधे सीधे भगवान के बारे में श्रवण और पठन करने की रुचि रखने लगते हैं। जैसे हम देखते हैं कि नैमिषारण्य के जो जिज्ञासु, जो ऋषि मुनि इत्यादि थे, श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जो ये कनिष्ठ भक्तों के लिए उदाहरण हैं जो कृष्ण के प्रति शरणागत हुए। क्योंकि शुरू में सिर्फ वो लोग यज्ञ कर रहे थे और उनका मन पूरी तरह चिंतित हो गए थे कि कैसे करें, क्या करें, कलयुग में लोगों का कैसे उद्धार होगा। लेकिन बाद में उनका दिल साफ़ हुआ, और दिल साफ होने के बाद वो लोग पूछ रहे हैं कि हे सूत गोस्वामी, कृपया करके भगवान के दिव्य लीलाओं का और दिव्य अवतारों की चर्चा हमें बताइए, के बारे में बताइए। मतलब शुरू में भगवान के बारे में सीधे सीधे सुनने के लिए हमारे पास रुचि नहीं होती, लेकिन अब भगवान के दर्शन, भगवान के जो ज्ञान है उसको सुनेंगे तो धीरे धीरे भगवान के व्यक्तिगत स्वरूप, भगवान के दिव्य नाम रूप गुण लीला के प्रति आकर्षण बढ़ता है, और वो आकर्षण बढ़ने के पश्चात हम भगवान के बारे में प्रत्यक्ष रूप में सुनने की रुचि रखने लगते हैं। काफ़ी बार क्या होता है, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें मालूम नहीं चलता कि डॉक्टर को मालूम है कि हमें मालूम नहीं चलेगा कि कब कौन सी दवाई लेनी है। तो इसलिए डॉक्टर क्या करता है, सुबह का डोज सेपरेट पैक करता है, दोपहर को ये खाना है सेपरेट पैकिंग कर देता है, और शाम का जो दवाई है वो सेपरेट पैकिंग करके देता है, ताकि जो पेशेंट है, जो रोगी है, बराबर टाइम पर बराबर दवाई खा पाए। तो ऐसे ही वेदों में भी जो भगवान से संबंधित ज्ञान है बहुत अच्छे तरीके से पैकिंग करके हमें दिया गया है, ताकि हम उसको धीरे धीरे अपने जीवन में लेकर अपने स्वास्थ्य को अच्छा करके भगवान के प्रति जो हमारा खोया हुआ प्रेम है वापस जगा पाए। हम देखते हैं कि भगवान के जो बारे में श्रवण और कीर्तन बहुत ही दिव्य होता है, कि इस जगत का अगर आप स्वीट राइस खाएंगे तो थोड़े समय के बाद आपका पेट भर जाएगा, आपको ज्यादा खाने की इच्छा नहीं पड़ेगी। लेकिन ये ऋषि मुनि आगे जाके इतने शुद्ध और पवित्र बन गए कि सूत गोस्वामी को कह रहे हैं कि हे सूत गोस्वामी, कितना भी बताओ हमारी भूख मिटने रही है, कृपया करके भगवान के बारे में और बताओ और बताओ और बताओ। तो इससे मालूम चलता है कि भगवान के बारे में श्रवण और कीर्तन जो होता है दिव्य स्तर पर होता है, वो इस जगत की भौतिक चर्चा नहीं है जो सुनने के बाद एक समय के बाद लोग ऊब जाते हैं। तो काफ़ी बार क्या रहता है कि ना हम क्या करते हैं, हम हर चीज़ को भौतिक दृष्टिकोण से देखते हैं। हम देखते हैं कि कभी बार पुराने मंदिरों में जाते हैं तो भगवान के जो अर्चा विग्रह होते हैं बहुत सुंदर नहीं होते, तो हम सोचते हैं कि भगवान की प्रभु जी ये भगवान के विग्रहों का स्वरूप इतना आकर्षक क्यों नहीं है। मतलब होता क्या है कि हम हर चीज़ भौतिक दृष्टिकोण से देखते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम विग्रहों का दर्शन बहुत सावधानी पूर्वक करें, भगवान के विग्रहों के बहुत पास जाके दर्शन नहीं करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, हम अपनी चमड़े की आंखों से भगवान के विग्रहों में भी दोष ढूंढना शुरू करते हैं कि यहाँ पे ऐसा है, वहाँ पे ऐसा है, और इस तरीके से हम अपराध करते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम भगवान के विग्रहों से थोड़ा दूर रहकर बहुत ही सम्मान के साथ, बहुत ही भक्ति भावना के साथ भगवान का दर्शन करना चाहिए। और भगवान का आप दूर से दर्शन करेंगे तो आपको लगेगा कि मेरी योग्यता नहीं है भगवान के पास जाने की, तो वो जो मनोभाव है वो भगवान को अच्छा लगता है। नहीं तो हम भगवान के पास में जाते हैं और भगवान को के अंदर दोष देखना शुरू करते हैं और अपराध करते हैं। क्योंकि काफ़ी बार क्या रहता है कि विग्रहों में भी थोड़े बहुत इधर उधर जो हमारी भौतिक आँखों को अच्छा नहीं दिखता उसको भी हम देखने लगते हैं अगर बहुत पास में जाते हैं तो।
तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि हमें भगवान के कमल चरणों के ऊपर ध्यान करना चाहिए, और ऐसे ही वैष्णव को भी देखना चाहिए। तो वैष्णव को शारीरिक स्तर पर नहीं देखना चाहिए, बल्कि देखना चाहिए कि कैसे मैं भगवान के भक्तों की सेवा कर पाऊं, क्योंकि भगवान के मुख कमल को देखने का जो अधिकार है वो केवल गोपियों का है। हमारा अधिकार रहना चाहिए कि हम भगवान के चरण कमलों का के ऊपर ध्यान करें, क्योंकि हम भगवान की सेवा करके उनको खुश रखना चाहते हैं, खुश करना चाहते हैं। तो ऐसा करेंगे तो भगवान के प्रति सेवा भाव बढ़ती है, और भगवान को भौतिक दृष्टिकोण से हम नहीं देखते और अपराध नहीं करते, और हमारी भक्ति में प्रगति होती है। और आरती के समय भगवान का दर्शन करना चाहिए, भगवान के बारे में दिन भर सोचना चाहिए, भगवान का महाप्रसाद खाना चाहिए, और भगवान के भक्तों को भी याद करना चाहिए। और ऐसा करके भगवान के भक्त हमेशा भगवान को याद करते हैं। इस तरीके से भगवान का नियमित तरीके से याद करने से का जो प्रशिक्षण होता है वो भक्त के चंचल मन को शांत करता है। और ऐसा करने से जो हमारा जो भगवान का स्मरण है वो हमारे मन में पूरी तरह छा जाता है। भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन, भगवान का मनन, और धीरे धीरे जो जो भौतिक शक्ति का हमारे ऊपर जो प्रभाव पड़ा हुआ है उस प्रभाव को हम काट पाते हैं, उससे बच पाते हैं। जितना आप इस दुनिया से अपने आप को काटोगे और भगवान के साथ जोड़ोगे, भगवान के विग्रहों की सेवा करके, भगवान के भक्तों की सेवा करके, हाँ, ऐसा करने से धीरे धीरे आप अपने आप को माया से बचा पाएंगे और अपने मन को माया से बाहर निकाल पाएंगे। अब जैसे अभी मैं हाल ही में जो भगवद्गीता के ऊपर जो प्रवचन कर रहा हूँ, प्रतिदिन मुझे इतना कुछ पढ़ना पड़ता है, पूरा दिन मैं सोचता रहता हूँ क्या प्रिपेयर करेंगे, ये आचार्य क्या कहते हैं, वो आचार्य क्या कहते हैं। हाँ, तो इस तरीके से हमें चाहिए कि हमें हमेशा अपने मन को पूरी तरह से भगवान की सेवा में, भगवान के स्मरण में लगाना चाहिए। ये तभी होगा जब हम अपने आप को भौतिक जगत से काटेंगे, तो नहीं तो क्या होता है कि हमारा मन हमेशा भौतिक जगत के संबंधों, भौतिक जगत की दुनियादारी और भौतिक चीज़ों के प्रति आसक्त रहता है। तो इसलिए हमें क्या चाहिए कि अगर भौतिक जगत से, माया से अपने आप को बचाना है तो हमें भगवान के प्रति अपनी सेवा को, भगवान के स्मरण को, हाँ, उसको बढ़ाना है, और वो बढ़ा के इतना ज़्यादा कर लेना है कि हमारे मन में भौतिक दुनिया के प्रति कुछ समय ही नहीं रहे। भगवान का स्मरण करो, हाँ, भगवान का चिंतन करो, भगवान की सेवा के बारे में सोचो। और ऐसा मैंने कि बहुत सारे ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि क्या होता है कि बहु शास्त्र बहु वाक्य चित्त करे भ्रम, मतलब जब हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि होता है कि बहुत सारी चीज़ें पढ़ने बैठते हैं और भगवान के ऊपर से हमारा मन हट जाता है। हाँ, कुछ लोग संस्कृत सीखने में इतने डूब जाते हैं कि भगवान को भूल जाते हैं, भक्ति से ही छूट जाते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद बताते हैं कि स महात्मा सुदुर्लभ, जैसे गोपी परानंदन प्रभु हैं, उनको पूरे इस्कॉन में इतना सम्मान दिया जाता है क्योंकि उनको इतना अच्छा संस्कृत का ज्ञान है, फिर भी वो इतने विनम्र हैं। तो इसलिए हम तो आसानी से घमंडी बन जाते हैं। तो इसलिए अगर संस्कृत उनसे सीख लेंगे तो हम और घमंडी बन जाएंगे। तो इसलिए हमें चाहिए कि इधर उधर नहीं जाने का प्रयास करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि इधर उधर करने पे आप भटकेंगे, तो कृपया करके अपने जीवन को सरल रखिए, भगवान के बारे में श्रवण और कीर्तन कीजिए, जो प्रभुपाद की ग्रंथ पढ़िए, हाँ, और भक्तों के संग में रहकर हम अपने आप को आराम से भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। काफ़ी बार क्या रहता है कि हम जो नए भक्त होते हैं, हम देखते हैं कि प्रवचन करते करते या पढ़ते पढ़ते सोने लगते हैं, तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम ये सीखें कि कैसे मन को भगवान के विषयों के ऊपर स्थिर करना है। तो ये कब होता है, जब हम भगवान के विग्रहों की अच्छे से ध्यान पूर्वक, लगन पूर्वक, भक्ति भावना के साथ सेवा करते हैं, तो हम धीरे धीरे इस प्रकार की समस्याओं से ऊपर उठ पाते हैं। तो इसलिए और विग्रहों की सेवा करते समय हमें यह भी ख्याल रखना चाहिए कि हम सेवा अपराध नहीं करें।
और इस तरीके से भगवान के विग्रहों की सेवा करने से हमारा भगवान के कृष्ण के प्रति आसक्ति हमारी बढ़ जाती है, और ये आसक्ति धीरे धीरे जब बढ़ती है तो हमारा भगवान के बारे में श्रवण करने की इच्छा भी बढ़ जाती है, और इस तरीके से जो रजोगुण और तमोगुण का जो प्रभाव है वो हमारे ऊपर कम पड़ता है, और हम धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत के स्तर पर खुशी से स्थिर हो जाते हैं। जैसे मानिए कभी कभार आप अगर आपने भक्ति अच्छे से की है तो आप बाहर जाकर कभी ट्रेन में भी सफ़र कर रहे हैं तो आपको राधा वृंदावन चंद्र का चरण कमल याद आ सकता है, आप भगवान के विग्रहों को याद कर सकते हैं। मतलब भगवान के विग्रहों का दर्शन आपको इतना अच्छे से करना चाहिए कि आप मंदिर के बाहर भी गए तो भी आपको भगवान का स्मरण पूरी तरह से होना चाहिए कि भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान का चरण कमल कैसा है, भगवान का मुख कमल कैसा है। तो इस प्रकार की जब आसक्ति जब हमारे दिल में आती है तो भगवान के बारे में जो श्रवण करने की योग्यता है वो बढ़ जाती है, हाँ, और जो तमोगुण और रजोगुण का प्रभाव है वो भी कम हो जाता है। और ऐसा नहीं कि कनिष्ठ सिर्फ विग्रहों की सेवा सिर्फ कनिष्ठ अधिकारियों के लिए है, बल्कि मध्यम और उत्तम अधिकारी भी विग्रहों की सेवा करते हैं और करनी चाहिए उनको भी। जैसे हम देखते हैं कि रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, बड़े बड़े आचार्य ने भी भगवान के विग्रहों की सेवा की, चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने जगन्नाथ की पूजा की। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि रूप गोस्वामी पाद ने भी भगवान के विग्रहों की आराधना की, गोपाल भट्ट गोस्वामी ने शालिग्राम शिला की इतनी भक्ति भावना से आराधना की कि शालिग्राम शिला बाद में कि रात को सोए तो सुबह को देखा कि शालिग्राम शिला ही भगवान राधा रमन के रूप में प्रकट हो गए थे ताकि उनको वो आभूषण देकर श्रृंगार कर पाए। जीव गोस्वामी पाद ने राधा दामोदर की आराधना की थी, मदन मोहन की आराधना सनातन गोस्वामी ने की थी, रघुनाथ दास गोस्वामी ने। इस प्रकार से हम देखेंगे कि हर आचार्य ने विग्रहों की सेवा की। अब जैसे हम देखते हैं कि यद्यपि बहुत साक्षात्कार आचार्य, बड़े बड़े आचार्य थे जैसे रूप गोस्वामी, गदाधर पंडित इत्यादि, उन्होंने भी भक्ति भावना के साथ और लगनता के साथ भगवान के विग्रहों की आराधना की थी। जैसे कफे पर क्या रहता है कि कुछ परिवार में अपने भगवान के विग्रहों को रखते हैं और जहाँ भी सफ़र करते हैं तो भगवान के विग्रहों की को लेके चलते हैं, हाँ, और उनकी आराधना करते हैं। ऐसे हम देखते हैं कि कुछ ब्रह्मचारी अपने लॉकर में भगवान के विग्रहों को रखते हैं, हाँ, लेकिन सिर्फ विग्रहों को नहीं रखना बल्कि अपने व्यवहार में भी भक्ति का आचरण करना है, भगवान के भक्तों के प्रति अच्छे से पेश आना है। नहीं तो ऐसा नहीं कि घर में विग्रह रखें और भक्तों को कुछ भी बात कर रहे हैं, कैसे ही बात कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। अगर आपको चाहिए तो घर में लॉकर, अगर ब्रह्मचारी है तो लॉकर में विग्रहों को रखने के बजाय कम से कम भगवान की तस्वीर रख सकते हैं, और बाद में जब अगर आप गुरु और सन्यासी इत्यादि बन जाएंगे तो आप अपने विग्रह रख सकते हैं, राधा कृष्ण के विग्रहों को रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि सारे गुरु अपने अपने विग्रह रखते हैं, लेकिन किसी को चाहिए तो रख सकते हैं। जो उच्च कोटि के भक्त होते हैं भगवान के विग्रहों को याद करते हैं स्मरण करके, हाँ, और वो बड़े बड़े अनेकों कनिष्ठ भक्तों को भगवान के विग्रहों की सेवा में लगाते हैं। जैसे हम प्रतिदिन सुबह को गाते हैं, श्री विग्रह हारा धन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मर्जनादिशो युक्त से भक्ता शनियुंजतोपि वंदे गुरु श्री चरणार विंदम। तो इस तरीके से जो गुरु होता है हमेशा भगवान के विग्रहों का स्मरण करता है और अनेकों कनिष्ठ अधिकारियों को अधिकार देता है भगवान के विग्रहों का स्मरण करने के लिए। तेषां अहम् समुद्रता मृत्यु संसार सागरा। तो इस तरीके से जो गुरु होता है वो सदैव अपने शिष्यों को भी भगवान के विग्रहों की सेवा में लगाता है। तो श्रील प्रभुपाद को हमेशा चिंता होती थी कि इस्कॉन के जो बड़े बड़े नेतृत्ववादी हैं, जो लीडर्स हैं, वो भगवान के विग्रहों की आराधना करने के जो स्तर हैं, कि इसको जो उसकी जो गुणवत्ता है हमेशा के ऊपर उसके ऊपर ध्यान दें और उसको बनाए रखें। लेकिन दुर्भाग्यवश आज हम देखते हैं अपने समाज में कि राधा कृष्ण के विग्रहों को उनके अच्छी गुणवत्ता के स्तर के साथ उनकी अर्चना नहीं की जाती।
क्योंकि हम क्या देखते हैं कि आजकल क्या होता है कि इस्कॉन के भी लीडर्स हैं काफ़ी बड़े बड़े मैनेजमेंट के मीटिंग से बैठे रहते हैं और हाँ, और उनको समय नहीं मिल पाता। जैसे तो यहाँ पे महाराज जी बता रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं कि 6 बार कम से कम राधा कृष्ण को ऑफरिंग करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए। जैसे जैसे शुरू में, जैसे बाद, जैसे रूप गोस्वामी प्रभु को, प्रभु जी को बताया गया था कि अगर आप भगवान को भोग ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो लगाइए, लेकिन भोगों की संख्या बाद में कम मत कीजिएगा। अगर आपने स्टैंडर्ड बढ़ाया तो उसी स्टैंडर्ड में फॉलो कीजिए। तो इसलिए भगवान के विग्रहों की आराधना और सेवा बहुत ध्यानपूर्वक करनी चाहिए। अगर उनका ख्याल अच्छे से रखेंगे तो पूरा पूरा मंदिर अच्छे से फूलेगा फलेगा, लेकिन अगर भगवान के विग्रहों की आराधना अच्छे से नहीं हो रही है तो मंदिर अच्छे से आगे नहीं बढ़ पाएगा, वहाँ पे प्रचार कार्य अच्छा नहीं होगा। तो इस तरीके से भगवान के लिए व्यंजन बनाना, भगवान का श्रृंगार करना, भगवान के लिए जैसे पोछा लगाना, भगवान की माला बनाना, ऐसा करने से दिन भर हम भगवान के चिंतन को, भगवान के विग्रहों को अपने मन में रख सकते हैं और भगवान को खुश कर सकते हैं स्मरण करके। जैसे कुछ भक्त लोग जाकर भगवान के बारे में कुछ, भगवान के लिए कुछ खरीदना बाजार में जाकर, जैसे कभी कभार कोई भक्त भिंडी खरीदने जा रहा है भगवान के लिए, भिंडी बनाने के लिए, तो भिंडी तोड़ के देखता है कि भिंडी ठीक है क्या। तो इस तरीके से ऐसे छोटे छोटे जो हम सेवा करते हैं भगवान के विग्रहों की सेवा के लिए, भगवान के लिए भोग बनाने के लिए, भगवान के बारे में माला बनाने के लिए, फूल परचेस करने जाना, तो ऐसा करने से क्या होता है, हम सेवा करते करते भगवान के विग्रहों का स्मरण कर सकते हैं कि मैं अपने भगवान के लिए ऐसा करने जा रहा हूँ। जैसे उस समय क्या रहता था कि पहले के समय में हमारे भक्त लोग शाक को, शाक खरीदने जाते थे भगवान के लिए, शाक बनाने के लिए, तो जो भक्त रहता था खरीदते समय देखता था कि खराब क्वालिटी नहीं होना चाहिए, अच्छा क्वालिटी होना चाहिए, क्योंकि हम भगवान के लिए भोग बनाएंगे। तो इस तरीके से सब्जी खरीदते समय, फल खरीदते समय, फूल खरीदते समय, क्योंकि हमें मालूम है कि भगवान को अर्पित किया जाएगा, हम मन में याद रखते हैं कि हाँ भगवान खुश होने चाहिए मेरी सेवा से। तो इस तरीके से हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं हमेशा सेवा करने के साथ साथ, और भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। तो इसलिए इस्कॉन के लीडर्स जो चाहिए, हमें चाहिए, उनको चाहिए कि वो इन सेवा के प्रति थोड़े जागरूक रहें और भगवान के विग्रहों की सेवा के ऊपर विशेष ध्यान दें। इस प्रकार का मैनेजमेंट करने से हमारी, हमारा जो समाज है अच्छे से आगे बढ़ेगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी भी लिखते हैं कि भक्तों को चाहिए कि भारत के बाहर भी अलग अलग कृष्ण भावनामृत आंदोलन के मंदिरों में जाएं और वहाँ पर राधा कृष्ण के विग्रहों को देखें। जैसे कभी भी मैं अगर दिल्ली में जाता हूँ तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बता रहे थे कि जब भी दिल्ली आऊँगा तो मुझे एक दो टेम्पल बताए जाएंगे और वहाँ पर मुझे मंदिर को जाके देखना रहेगा। तो इस तरीके से अगर दिल्ली में 14 मंदिर हैं तो 14 बार मुझे जाना रहेगा। मतलब होता क्या है कि जब हम दूसरे मंदिर में जाकर भक्तों को मिलते हैं, वहाँ पे विग्रहों का दर्शन करते हैं, हाँ उनकी सेवा को देखते हैं, सेवा भावना को देखते हैं, तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वैसा करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब हम ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे भगवान के विग्रहों की अच्छे से पूजा की जा रही है, तो वैसी जगह पे जाके ही आपको बहुत पुण्य मिलता है। जैसे काफी जगह पे हम क्या देखते हैं कि भगवान के विग्रह बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उनका छोटे विग्रहों का भी श्रृंगार और उनकी सेवा बहुत ही सावधानी पूर्वक अच्छे से की जाती है। तो ऐसी जगह पे जाके ही हमें बहुत पुण्य मिलता है। तो काफ़ी बार क्या रहता है कि जैसे एक बार मैं मंदिर में गया तो मैंने वहाँ पे जाकर श्रृंगार बहुत अच्छा देखा, तो मैंने पूछा कि कहाँ से लाया, कौन लाया, तो उन्होंने बताया कि भक्ति चारू स्वामी महाराज ने लंदन से लेके आए। तो मैंने कहा कि हमें भी मिल सकता है क्या। तो इस तरीके से अगर हम दर्शन करते हैं भगवान का अच्छे जगह, अच्छे से अलग अलग मंदिरों में जाकर, तो हमारे हृदय में भी माधवेंद्र पुरी पाद की तरह सेवा करने की भावना आती है
और हम भी हमेशा अपने विग्रहों की सेवा और अच्छे करने के लिए हमेशा उनके बारे में सोचते रहते हैं और भक्ति में प्रगति करते हैं। लेकिन अगर भगवान जो जो वरिष्ठ भक्त हैं अगर भगवान के विग्रहों की विग्रहों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते तो ऐसा करने से वहाँ पे प्रचार कार्य में बाधा आती है और भक्त लोग भक्ति में प्रगति नहीं करते। तो इसलिए भगवान के विग्रहों की अच्छे से सेवा करके हम भगवान को खुश कर सकते हैं और हम भगवान को बताते हैं कि भगवान हमें आशीर्वाद दीजिए, और ऐसा भगवान को खुश करके ही भगवान के बारे में श्रवण और कीर्तन करने में हमारी रुचि बढ़ती है और हमारी चेतना अच्छी होती है, और जब चेतना अच्छी होती है तो हम कनिष्ठ से मध्यम स्तर के मध्यम अधिकारी के स्तर पर आते हैं, हाँ भक्ति में परिपक्व बनते हैं और संपूर्ण जो प्रोजेक्ट होता है जो मंदिर होता है अच्छे से प्रगति करता है और भक्त लोग भी अच्छे से बढ़ते हैं। तो इसलिए अगर श्रवण कीर्तन के प्रति रुचि बढ़ानी है तो भगवान के अर्चा विग्रहों की आराधना करना अच्छे से करना बहुत आवश्यक है। तो यहां पे बताया जा रहा है कि चैतन्य महाप्रभु ने सदैव स्वयं के उदाहरण के जरिए हम लोगों को बताया कि हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे भक्ति करनी चाहिए। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो जीबीसी मेंबर्स हैं उनको चाहिए कि जो भी स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं इस्कॉन में आराधना करने के विग्रहों के, उसको अच्छे से पालन करें और उसको बनाए रखें। क्योंकि जब तक हम खुद के जीवन में पालन नहीं करेंगे तब तक वो प्रचार करने की तो बात ही दूर हो जाती है। जो बद्ध जीवात्माएं होती हैं उनको कृष्ण स्वयं ज्ञान देते हैं वेदों के जरिए, आध्यात्मिक गुरु के जरिए और परमात्मा के जरिए, और इस तरीके से जो जीवात्मा होती है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझ सकती है, हाँ कि भगवान हमारे नित्य शाश्वत स्वामी हैं और वो ही हमें माया के जाल से बचा सकते हैं। इस तरीके से जब हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त करते हैं इस बद्ध जीवन के प्रति तो ही हम इस जीवन से मुक्ति पा पाएंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय।